Hey guys, good morning, welcome back to our channel. और आज है ट्यूजडे और आज है ट्यूजडे और आज है शिवरात्रि और आज हम सबका फास्ट भी है और अभी हम नहा के रेडी हो चुके हैं और अब चलेंगे हम मंदिर जाएंगे, आज शिव जी की पूजा करेंगे। तो पूजा करके आप सबसे मिलेंगे और आज वैसे तो कुछ कोई खास प्लान नहीं है बाहर जाने का, बिकॉज आज मेरा ट्यूसडे का भी फास्ट होता है तो मैं सुंदरकांड भी करता हूँ और हमारे यहाँ पास में एक मंदिर है उसमें मैं जाता हूँ सुंदरकांड पढ़ने। और हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू माय फैमिली। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ केले लेने और केले का आज भोग लगता है और अब मैं ले चुका हूँ केले, अब चलते हैं घर और जल्दी से चलेंगे मंदिर क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ होगी मंदिर में, बहुत बड़ा मंदिर है इधर का, हमारे इधर का, और इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है आज के दिन। और अभी हम आ चुके हैं मंदिर और ये रही थाली और ये ले रहे हैं हम भांग ततूरा बेल फूलमाला शिव जी पे चढ़ाने के लिए। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं मंदिर से पूजा करके, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी वहां पे और लगता है जैसे आज ही सारे, मतलब जितने भी लोग हैं सबकी भक्ति आज ही जागी है शिवरात्रि को। वैसे उस मंदिर में कोई नहीं जाता, मतलब जिस इंसान को मैंने कभी नहीं देखा वो भी मैंने आज देखा। मैं तो डेली जाता हूँ ठीक है मंदिर, लेकिन उसमें कोई इंसान तो ऐसा होता है जो साल में एक ही बार दिखता है, वो भी शिवरात्रि पे मंदिर में जल चढ़ाने, और जल भी इतनी देर तक चढ़ाएंगे ना, जैसे आज ही भगवान को इतना प्रसन्न कर लेंगे कि भगवान खुद अवतरित हो गए, बोलिए आपको क्या चाहिए इतना ज्यादा वो हो गया लोगों का, क्या कहते हैं उसे, भक्ति जाग गई आज बहुत ज्यादा। ऐसी होता है नवरात्रों में कितने लोग जाते हैं, वरना वैसे कोई नहीं जाता मंदिर। भाई सब अपना अपने ही वो दे मजा तो उसमें आता है क्यों अरे मेरे को ना एक्टिंग का इतना ज्यादा शौक नहीं है ना, आती भी नहीं है शौक और ये भी सही है। और अभी हमारी बहना जी अपना व्लॉग देखते देखते हुए और बना रही है रोटी, हमने व्लॉग चालू करके रोटी बना रही है, वाह भाई वाह, गुड गुड। इधर शकल दिखाइए, अपनी शकल दिखाइए, मुस्कुराइए, से ज्यादा प्यार देना यार, मुस्कुराइए अपनी शकल को लेके। ये सबका तो फास्ट है गाइस, बट पापा ने नहीं रखा फास्ट, तो उनके लिए बहन बना रही है रोटी और सब्जी, क्या सब्जी है, छोले। और गाइस अभी आ चुके हैं अपने सेटअप रूम में और अभी हमारी बहन जी बना रही है, मोज पे एक वीडियो महाशिवरात्रि के लिए। और चलिए गाइस मैं इनकी पहले वीडियो बना देता हूँ, हाँ मैं इसकी मोज आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सब जाके फॉलो कर लेना उस पे। एक वीडियो बना रहे थे और देखिए आप कैसी बनी है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मंदिर सुंदरकांड पढ़ने जा रहा हूँ मैं और मेरे साथ जा रही है बहन भी, देखिए आप
और ये तो हो गई है बिजी। तो गाइस हम आ चुके हैं अभी मंदिर में और अभी यहाँ चल रही है तैयारी। मंदिर होता है यहाँ से स्टार्ट और सामने ही है माता जी की प्रतिमा। गाइज मैं आ चुकी हूँ मंदिर से जल्दी क्योंकि मुझे बनाना था साबूदाना वड़ा। शिवरात्रि है तो हम लोगों का फास्ट है तो हम लोग फास्ट में साबूदाने का वड़ा या फिर कुट्टू के पूड़ी पराठे इस टाइप से खाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं साबूदाना वड़ा बनाती हूँ और आप लोगों को भी सिखाती हूँ कि साबूदाना वड़ा कैसे बनाते हैं। और ऋषभ अभी वहीं पर है क्योंकि सुंदरकांड पूरा नहीं हुआ था तो मैं आधे सुंदरकांड में से आ गई थी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि साबूदाना वड़ा मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने एक घंटे पहले साबूदाना भिगो दिया था और आलू उबाल लिए थे और अभी मैंने इसके अंदर साबूदाना आलू और भुना हुआ जीरा यानी कि पीस के उसको और धनिया हरा धनिया यानी कि और हरी मिर्च ये सब डाल लिया है। आप चाहे तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, मूंगफली भी डाल सकते हैं पीस के, बट हमने मूंगफली और काली मिर्च नहीं डाली है, हमने सिर्फ सिंपल बनाया है ये। और अभी हम इसको घी में एक टिक्की की तरह तलेंगे, जैसे एक टिक्की होती है जब हम आलू की टिक्की बनाते हैं उस टाइप से। अभी मम्मी इसको मिक्स कर रही है, ये सब मैंने इसके अंदर मिक्स किया था, अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें सेंधा नमक भी हमने डाला है, आप स्वाद अनुसार अपने नमक डाल सकते हैं, मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक डाला है। तो अभी हमने कढ़ाई में घी डाल लिया है और अभी मैं थोड़ा सा हाथ पे भी घी लगाऊंगी क्योंकि ये साबूदाना बहुत ज़्यादा चिपकता है तो हाथ में घी लगा के ही इसको करना सही रहता है। मत करो तुम, मम्मी ने फोन पकड़ा हुआ है क्योंकि रिशु तो सुंदरकांड में बिजी है। तो इस तरीके से हम इसको लेंगे और इसके ऐसे ऐसे गोल गोल इसको बनाएंगे और ये देखिए हमारा साबूदाना बड़ा तैयार हो चुका है। हम इसको सिर्फ फ्राई करेंगे घी में और इसी तरह से मैं काफी सारे बनाने वाली हूँ। तो आप भी फास्ट में ही ट्राई जरूर कर सकते हैं अगर आपने भी फास्ट रखा है या फिर आगे भी नवरात्रि के फास्ट आते हैं, काफी सारे फास्ट आते हैं उसमें आप ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और घी से क्या होता है ये चिपकता नहीं है हाथों में, वरना ये बहुत ही ज्यादा चिपकता है, घी लगाने से ये चिपकेगा नहीं। और जितनी धीमी आंच में आप इसको पकाएंगे उतना अच्छा है। बंद कर ये है मेरा नया नाइट सूट जो कि है जिम्बाब्वे का और मुझे ये कलर बहुत पसंद है। आप सब कमेंट करके बताना मेरा नाइट सूट कैसा लगा आप सबको। ये मेरी मम्मी ने दिलाया मेरे को होली के लिए, मतलब होली आती है जब फर्स्ट होली आती है तो मतलब कुछ देते हैं ऐसे। तो मैंने बोला कि मेरे पास सूट साड़ी कपड़े बहुत है तो मेरे पास गर्मियों के लिए नाइट सूट नहीं था, तो इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि मेरे को नाइट सूट दिला दो।
और अभी आ चुका है ऋषभ मंदिर से, सुंदरकांड पार्ट से, और वहां पर था भंडारा, बट ऋषभ नहीं खा सकता था क्योंकि ये मीठे व्रत रखता है, तो इसको घर में ही खाना पड़ा। और इसकी हालत हो चुकी है टाइट, क्योंकि इससे फास्ट बिल्कुल नहीं रखा जाता है। ये देखो सुबह से अब तो खा रहा हूं। तभी तो बोल रही हूँ कि तेरी आंखें बंद हो गई है। इसकी आंखें बंद होने लगती जब भी इसको भूख लगती है ना, अगर इसकी आंखें बंद होने लगती है ना तो समझ लेना कि इसको बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। ये देखो कैसे खा रहे है, हलवा पराठा और दूध। गाइस अभी सबका फास्ट खुल चुका है और भाई कर रहा है एडिटिंग मेरे व्लॉग की, और अभी बच रहे हैं रात के 10:30। तो अभी मैं इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ, और आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। तो अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही देते रहिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट।